कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हो। द स्टडी इज गोइंग वेल, बहुत अच्छे से स्टडी चल रही। तो लास्ट टाइम पे जो हम लोगों ने लेक्चर लिया था, इन दैट लेक्चर वी हैव सीन अबाउट हाउ इमेजेस आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर, तो नॉट मिरर लेंस। हम लोग ने देखा था लास्ट टाइम पे कि कैसे इमेजेस बनते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में, राइट। और हम लोग ने कुछ मैग्निफिकेशन, कुछ हम लोग ने फोकल लेंथ, पावर और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में, लेंस फॉर्मूले के बारे में भी सीखा था। तो वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल द एसएम एकेडमी। सब लोगों को पेपर पेन बुक जो भी है सब निकाल के रखना है। लेट अस स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी सम न्यूमेरिकल्स। हम लोग न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करने वाले। लेट अस सी हम लोग किस तरीके से जो भी हम लोग ने सीखा है पिछले लास्ट लेक्चर्स में, सारे के सारे चीजों को हम लोगों को अब इस लेक्चर में अप्लाई करना है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल लेंगे, ओके। जो हमारे बुक में दिया गया सॉल्व एग्जांपल, वी विल स्टार्ट विद दैट सॉल्व एग्जांपल ओनली, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा है, ये क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते सॉल्व करने का, ठीक है। लेट अस सी, क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जो यहाँ पे दिया है ना, हम उसका पहले क्या करते हैं, एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं, राइट। सो व्हाट वी हैव बीन गिवन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे मैं कॉन्वेक्स लेंस बना लेता हूँ। तो दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस, और हमें बोला गया है कि कॉन्वेक्स लेंस से एक ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर रखा है। हमने ये सीखा लेक्चर्स में कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में प्लेस किया जाता है, राइट। तो लेंस के लेफ्ट में आ जाते हैं, ये लेफ्ट में मान लेते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये वाला जो डिस्टेंस है इमेज का डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर, ओके। आगे क्या बोल रहा है, इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर एंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 10 सेंटीमीटर। हमें क्या बोला गया, ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ जो है यहाँ पे है, और ये वाला जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ वाला, ये है 10 सेंटीमीटर, ओके। और जो आपका इमेज है उसका हाइट हम लोग को बोला गया है, ये हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इमेज का, नॉट इमेज, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर में दिया गया है। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो हमें क्या बोल रहा है, जो इमेज लेंस से बनेगा वो इमेज कहां पे बनेगा, दैट इज पोजीशन, उसका साइज क्या होगा, हाइट क्या होगा, और उसका नेचर क्या, वो इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, क्या, ये सब नेचर हम लोगों को पूछा गया, ओके। तो वेरी सिंपल, लेट अस सी, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। हमें क्या दिया गया, देखो ये इमेज, नॉट इमेज, हमें दिया गया है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू इज 20 सेंटीमीटर, कहां पे रखा है, लेफ्ट में, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस। फोकल लेंथ दिया गया है, फोकल लेंथ कितना, 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का लेंस के लिए फोकल लेंथ और कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। हाइट दिया गया हमें, हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर अबव प्रिंसिपल एक्सिस, तो साइन कन्वेंशन हमें बोलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा गया तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया, ओके। आपको फाइंड क्या करना है, आपको पोजीशन फाइंड करना है, इसका मतलब कि आपको इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको साइज फाइंड करना है, जस्ट की साइज, तो साइज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि हाइट ऑफ इमेज आपको फाइंड करना है, और नेचर फाइंड करना है, वो हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे वो हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला। तो यहाँ पे बेसिकली लेंस के फॉर्मूला यूज होगा, एंड फॉर्मूला इज 1/f = 1/b - 1/u, ये लेंस का फॉर्मूला, मिरर रहता तो यहाँ पे प्लस आ जाता, राइट। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 1/f = 1/b - 1/u, इसमें हम वैल्यू रख देंगे, 1/f, f का वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर, तो 1/10 = 1/v हमें नहीं पता है, u पता है, u कितना है देख लेते हैं, u हमें दिया है -20, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -20, ओके। तो ये बन जाएगा 1/10 = 1/v - क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1/20, ठीक है। हमें v की वैल्यू चाहिए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाले टर्म को इधर लेके आता हूँ, v को एक साइड में अकेले रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/v = पहले से कौन है यहाँ पे 1/10, ये यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा 1/20, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, राइट। इसको मैं थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूँ, पहले इसको लिख देता हूँ 1/b = 1/10 × 20, 21 = 20 -
10 वन सा 10 अपॉन 10 इंटू 20 इज 200, तो ये आपको मिल गया 1 अपॉन b इज इक्वल टू 20 में से 10 जाएगा तो 10 आएगा और ये क्या आएगा आपको 200। अभी आपको b चाहिए तो उल्टा कर लो, b अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 अपॉन 10, तो b अपॉन 1 इज b, 200 अपॉन 10 इज 20, तो ये आपको क्या देखो पोजीशन मिल गया, इमेज जो है वो 20 सेंटीमीटर में बनेगा। अब आप देख सकते हो इमेज पॉजिटिव आया, इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव डिस्टेंस पॉजिटिव कब होता है, जब वो लेंस से राइट साइड में मेजर होता है, इसका मतलब लेंस से राइट साइड में आपका बनेगा 20 सेंटीमीटर पे, राइट। तो यहां पे लिख देंगे द इमेज इज फॉर्म 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेंस ऑन अनदर साइड, दूसरी साइड में जहां पे एंड अनदर साइड टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जहां पे रखा है उसके अपोजिट साइड में बनेगा। ये तो हो गया, अब बारी है साइज का, साइज क्या होगा, साइज तो इसके लिए आपको हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। चलो देखते हैं इसमें वैल्यू पुट करके, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये सारे चीज सेम रहते मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, राइट। तो यहां पे हाइट ऑफ इमेज तो हमें नहीं पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर, इसको मैं एच ओ लिख देता हूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी मिल चुका है हमें 20 और हमारे पास यू की वैल्यू भी है -20, ओके। तो ये हो जाएगा एच आई इज इक्वल टू 5 उधर चले जाएगा, 20 अपॉन 20 इज -1 क्योंकि माइनस है, 5 उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज आपको कितना मिल गया -5 सेंटीमीटर, तो आपको साइज भी मिल गया, क्या सेम साइज का बन रहा है। देखो ऑब्जेक्ट का हाइट भी 5 सेंटीमीटर, इमेज का भी हाइट कैसा है 5 सेंटीमीटर, तो ये मिल गया। तो हाइट या तो साइज ऑफ इमेज आप लिख सकते हो, हम लोग साइज लिख देते हैं, साइज ऑफ इमेज इज माइनस या तो 5 सेंटीमीटर लिखो, बिलो कहां बन रहा है माइनस मतलब नीचे बनेगा, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, और ये नीचे बन रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये रियल इमेज होगा और इन्वर्टेड इमेज होगा, नेचर कैसा होगा, तो मैग्निफिकेशन निकाल के पता कर सकते हैं। अगर मैं मैग्निफिकेशन निकालूं तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, देखो एच आई अपॉन एच ओ, एच आई कितना आपका -5, एच ओ कितना आपका 5, तो कितना है -1, तो -1 आया, इसका मतलब क्या हो गया ये रियल इमेज है और ये इन्वर्टेड बनेगा। तो मैग्निफिकेशन से हमें पता चलता है कि इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो दिस वाज द क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सो जस्ट टेक दिस स्नैपशॉट एंड प्रैक्टिस बाय योर ओन एंड लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको आपको प्रैक्टिस खुद से करना है। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम आवर टेक्स्टबुक, देखते हैं क्या है। सी द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, हमें एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है उसका फोकल लेंथ बताया 20 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द पावर, हमें पावर फाइंड करना, ओके वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहां पे हम लोग पहले गिवन लिख लेते हैं, हमें गिवन क्या दिया गया, हमें गिवन क्या है फोकल लेंथ दिया है, एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एज इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है पावर। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो पावर का फॉर्मूला होता है वो रेसिप्रोकल होता है, राइट, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन f और ये फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, तो यहां पे हमें सेंटीमीटर में दिया, मीटर में कर लेते हैं हम 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, राइट। तो यहां पे हम लोगों का सॉरी नॉट 2 20 है, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जो कि क्या बन जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना आया 0.2, अब इसको आप डिवाइड करोगे 1 को 0.2 से, तो यहां पर आप देख सकते हो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 1 इंटू 10 अपॉन आपके ऊपर आप कैसे करोगे, मैंने 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 1 इंटू 10 इज 10, 0.2 इंटू 10 इज 2, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 5 आएगा, तो पावर इज इक्वल टू 5 डायोप्टर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट टेक दिस स्नैपशॉट फॉर योर प्रैक्टिस एंड लेट अस प्रोसीड टू वन मोर क्वेश्चन, ओके। वन मोर क्वेश्चन वी आर हैविंग, ये क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज से चूज किया है, फ्रॉम आवर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड वाला क्वेश्चन है, ओके। तो ये क्वेश्चन भी सिमिलर टू दैट वी हैव डन
इन फर्स्ट वन जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सेम वैसे सॉल्व करना है, एकदम सिंपल है। लेट अस ट्राई वंस अगेन। हम लोग को अब आ चुका है, बहुत आसान हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। याद करो कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस में आपको क्या बताया था, जो लेंस कॉन्वेक्स है वो क्या करता है, लाइट को एक जगह पे जमा कर देता है, राइट। तो जहां पे लाइट को जमा कर रहा है उसको कन्वर्जिंग लेंस बोल रहे हैं, राइट। तो ये जो कन्वर्जिंग लेंस होता है ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, मतलब हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो हमें बोला गया आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इस कॉन्वेक्स लेंस से 25 सेंटीमीटर पे 25 सेंटीमीटर पे ये 25 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है जिसका हाइट 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर हाइट है इसका, क्लियर। आगे लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ दिया गया है यहां पे कहीं पे फोकल लेंथ इसका फोकस है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, क्लियर। डिटरमाइन पोजीशन साइज एंड नेचर, सेम वैसे जो पहला हम लोग ने सॉल्व किया था, आपको इसका पोजीशन यानी कि इमेज कहां पे बनेगा वो भी फाइंड करना है, साइज क्या होगा यानी कि हाइट क्या होगा इमेज का वो फाइंड करना, और नेचर क्या होगा रियल इमेज होगा वर्चुअल दैट। ओके लेट अस सी, गिवन लिख लेते हैं हम, गिवन में हमें क्या क्या दिया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया गया, कितना दिया गया 25 सेंटीमीटर, तो लेफ्ट में रखा गया तो ऑब्वियसली माइनस में यूज करेंगे हम। फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और क्या दिया गया है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है 5 सेंटीमीटर, क्लियर। चलो फाइंड क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको फाइंड करना है वी दैट इज इमेज का पोजीशन, उसके बाद आपको फाइंड करना हाइट ऑफ इमेज, उसके बाद नेचर भी हम फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला क्या क्या यूज करोगे, सेम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f = 1/b - 1/u। एक हम लोग यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। सिंपल एकदम सिंपल, अभी तो एकदम पानी के जैसे हम लोग कर सकते हैं, सब आता है आप लोगों को, राइट। प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो, जब तक आप सीखते रहोगे तब तक आप कर सकते हो, आपके अंदर पूरा डेडिकेशन होना जरूरी है। ओके सिंपल है, चलो कर लेते हैं। पहले हम लोग लेंस का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 1/f = 1/u, पुट कर लो वैल्यू, f की वैल्यू 10 है, 1/10 = 1/b - 1/u का वैल्यू क्या है -25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/10 = 1/b + 1/25, हमें बी चाहिए, बी को अकेले रखेंगे 25 को इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1/10 इसको मैं यहाँ पे बुला लेता हूँ, प्लस से माइनस हो जाएगा, -1/25 = 1/b, इसको मैं थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूँ, पहले 1/b को लिख देता हूँ, 1/10 - 1/25, 1/b = क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 ones are 25, 10 ones are 10, 25 into 10 is 250, तो 1/b = 25 - 10 = 15, 15/250, करेक्ट। तो ये आपका बन जाएगा 1/b = अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको 15 को 250 से डिवाइड करना है, यहां पे हम लोग कहीं पे डिवाइड कर लेते हैं, 250 में 15 तो आते नहीं, जीरो से जाएगा -15, एक और जीरो आ जाएगा, इधर पॉइंट डाल दूंगा, वापस से 250 नहीं आता, जीरो आ जाएगा 150, अभी 1500, 250 में शायद 1500 आ सकता है, देखते हैं। तो 250 में 1500 कब आएगा, तो 250 2 ज़ा 500 होता है, 4 ज़ा 1000 हो जाएगा, 6 ज़ा 1500 आ जाएगा, तो 0.006 आ गया, तो ये आपको मिला 0.006, आपको b चाहिए, तो b अपॉन 1 कर दो इसको भी, ये भी उल्टा हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा, तो ये b हो जाएगा, 1/0.06 करेंगे तो ये आएगा आपका 16.7 सेंटीमीटर। तो आपको जो इमेज मिल रहा है पॉजिटिव में मिल रहा है 16.7, इसका मतलब इमेज लेंस से राइट साइड में बनेगा क्योंकि पॉजिटिव है, 16 सेंटीमीटर दूर बनेगा, सो दिस इज द इमेज। अब हमें हाइट की बात करनी है, तो जब मैं हाइट की बात करूंगा तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से जाऊंगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, देखो हाइट ऑफ इमेज कितना है आपको,
हाइट ऑफ इमेज तो नहीं पता, ये तो फाइंड करना है, तो एच आई लिख देते। ऑब्जेक्ट का हाइट हमें दिया गया 5 सेंटीमीटर, इमेज का डिस्टेंस मिल चुका 16.7 और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी हमें पता है 25, ठीक है। इसको यहाँ पे भेज दो, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा 16.7 इंटू 5 अपॉन 25, तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, 16.7 अपॉन 5, राइट। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया आपका, 5 3 जा 15 होता है, माइनस 1 1 बचेगा, 7 को मैं उतार लूंगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा 20, 5 4 जा 20 होता है, तो इसके आसपास सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 3.34 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका, ठीक है। हम लोगों का यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो था माइनस में था, तो एक मिस्टेक हम लोग ने कर दिया है, हम लोगों को यहाँ पे माइनस यूज करना पड़ेगा, तो आंसर माइनस में आएगा, ओके राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। ऑब्वियसली अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो ये इमेज रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, तो मैग्निफिकेशन से भी आप निकाल सकते हो, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, हमेशा रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनता है और रियल इमेज हमेशा कैसा होगा, इन्वर्टेड। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप लोगों को खुद से जितना मैंने आज करवाया आप लोगों को आज के आज ही प्रैक्टिस करना है, ओनली यू विल बी एबल टू लर्न, आपको जिस दिन जो चीज पढ़ाया जा रहा है उसी दिन आपको समझना है सीखना है, तो ही आप सीख पाओगे, नहीं तो नहीं पॉसिबल है, राइट। तो आई होप कि ईच एंड एवरीथिंग यू हैव अंडरस्टूड, इफ यू हैव अंडरस्टूड तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड यू हैव टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ओके। तो आई होप कि आप लोग सब लोग ये क्वेश्चन जितने आज हम लोग ने किए सारे के सारे प्रैक्टिस करने वाले हो, पूरे अच्छी तरीके से एक एक स्टेप को आपको प्रैक्टिस करना है और इसके अंदर आपको एकदम माहिर हो जाना, ओके। सो हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।